राष्ट्रवीर दुर्गादास जयंती के उपलक्ष्य में कराहल में राठौड़ समाज ने निकाला भव्य शोभा जुलूस। खबर कराहल से है, जहां राठौड़ समाज के सभी लोगों ने राष्ट्रवीर दुर्गादास जयंती के मौके पर धूमधाम से रैली निकाली। रैली जहां जहां से गुजरी वहां स्वागत द्वार बनाए गए थे। रैली में बच्चों से लेकर महिलाओं में भी बहुत उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात था। रैली मुख्य बाजार से होते हुए पूरे कस्बे में डीजे बैंड की धुन पर झूमते नाचते हुए चित्रांश मरीज गार्डन तक पहुंची, जहां सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी और समाज के होनहार युवाओं युवतियों के लिए सम्मान समारोह भी रखा गया था। समाज ने एकता का संदेश देते हुए सरकार से मांग रखी थी कि उन्हें मूर्ति स्थापना और समाज की धर्मशाला बनाने के लिए जगह उपलब्ध करवाए। आने वाले चुनाव में राठौड़ समाज उसे अपना वोट देगा जो उनकी मांगों को प्राथमिकता से स्वीकार करेगा। ये आज आप देख सकते हैं कराल में कितने धूमधाम से यहाँ राठौड़ समाज ने दुर्गादास जयंती मनाई है। आज यहाँ पे कुछ समाज के सभी लोग उपस्थित हैं, इनसे जानेंगे क्या इनमें हर्षोल्लास है, कितना उत्साह इनमें। जी बताइए जी, आज आपने जो जयंती मनाई है किस उपलक्ष्य में है, क्या आपने इसमें योजनाएं तैयार की थी? जी जैसा कि आज राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती है। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के द्वारा भारत में औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण इस्लामीकरण की नीति को विफल किया और राठौर वंश की नींव रखी। उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 30 वर्ष तक कठिन परिश्रम किया, जिन्होंने अपने अंतिम समय में उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। 24 घड़ी आठों फहर वो अपने घोड़े पर देश की रक्षा करते थे और उसी से अपने देश की रक्षा के लिए नित्य एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते थे, जिसमें मुख्य उनका योगदान रहा। और राठौर वंश के वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का बलिदान महान और अमर है। और आप इस जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? हम सब लोग एक हैं, राठौर समाज हमारा एक है और आगे इससे भी अच्छी धूमधाम से जयंती मनाएंगे। और जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से एक बात रखना चाहते हैं कि करहल में राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शासन प्रशासन से अर्जी लगाएंगे। और इसके अलावा जैसे कि राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौर जी जो कि राष्ट्रीय वीर कहलाते हैं, उनकी जयंती के लिए सरकार से जिस दिन जयंती होती है 13 अगस्त को, उस दिन शासन प्रशासन से विनम्र आग्रह करेंगे कि उस दिन छुट्टी घोषित की जाए शासकीय सभी शासकीय ऑफिस कार्यालयों के लिए। धन्यवाद। सर और क्या आपकी मांग है शासन से, है क्या आप चाहते हो? इसके बाद हम मीटिंग रखेंगे राठौर समाज की, उसमें हम एक प्रस्ताव रखेंगे। हमारे राठौर समाज के लिए कोई शासन प्रशासन ने हमारे लिए जगह नहीं दी, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। आने वाले समय में उसी को वोट राठौर समाज देगा जो राठौर समाज के लिए जगह देगा, धर्मशाला के लिए, धर्मशाला के लिए जगह देगा, उसी के लिए राठौर समाज एक वोट देगा। आप देख रहे हैं ये शासन से मांग कर रहे हैं कि इन्हें जगह दी जाए जिससे ये अपनी मूर्ति स्थापित कर सकें समाज की जो भी, और इनको धर्मशाला के लिए जगह दी जाए। इनकी लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है, इतना संख्या बल होने के बावजूद भी इनमें राजनीतिक इनको कोई पद प्रतिष्ठित नहीं दी गई है। जी जी सर, आप बताइए। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पहली बार कराल में बड़ी धूमधाम से, समाज के सभी लोगों का उसमें योगदान रहा और सफल रहा। आगे हम कोशिश करेंगे समाज को एक सूत्र में बांधने की और भविष्य की रणनीति तैयार करने की, और वीर दुर्गादास अमर रहे उसके बलिदान को हम आगे ले जाएंगे और समाज को संदेश दें। ये आप देख रहे हैं राठौर समाज ने जो एकता दिखाई है, पूरा बाजार इनके जो समाज की जो दुकानें थी सभी बंद रखी गई आज के दिन, और सब में उत्साह उमंग। और ये चित्रांश मेदर गार्डन में इनका आयोजन है जिसमें यहाँ खाने की व्यवस्था भी समाज द्वारा की गई है।